हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉगस्टार्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि COVID-19 पैंडेमिक सिचुएशंस पे बच्चों के साथ अगर ट्रैवल करना है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए इस बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी फिलहाल बच्चों को घर पे रखना ही सबसे ज्यादा सेफ है। We must avoid our holiday trips right now. But कभी कभी ऐसा emergency आता है जब हमें बच्चों को लेके ही travel करना पड़ता है। जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मुझे emergency में दुबई टू इंडिया travel करना पड़ा। तो ऐसे situations पे हम क्या कर सकते हैं, मैं आपके साथ कुछ tips share करूंगी। So I hope it will be helpful for you. बच्चों को हमेशा फेस मास्क पहनाइए और हैंड लगेज में हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, सरफेस सैनिटाइजर हमेशा कैरी कीजिए। दोस्तों, मैं अपने जर्नी में ये सर्जिकल मास्क अपने बच्चे के लिए यूज किया था क्योंकि ये एडजस्ट करना काफी इजी था मेरे लिए। जैसे कि इसका जो रिबन है, इसको ऐसे फोल्ड करके बच्चों में ऐसे लगाने से इजिली आप उसके फेस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों साइड से आपको ऐसे फोल्ड करके आप उनको ऐसे सेट करके लगा सकते हैं ऐसे। अगर ये कंफर्टेबल आपको नहीं लगे तो आप दूसरा चीज भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से रिबन को कट कीजिए और अपने बच्चों की फेस के साइज के हिसाब से उसको छोटा कर दीजिए ऐसे। देखिए ये काफी छोटा हो गया और दोनों साइड से आपको करना पड़ेगा, दोनों साइड से ऐसे कट करके इसको बच्चों के फेस के हिसाब से छोटा कर लीजिए और उनके फेस पे लगाने के टाइम पे ये ऊपर जो है इसको थोड़ा बेंट कीजिए से उसके नोज के ऊपर वो अच्छे से बैठ जाए और फिर आप उनको ये लगा सकते हैं इजीली। कहीं पे भी बच्चों को बिठाने से पहले या फिर बेबी को रख के डायपर चेंज करने से पहले वहाँ पे सरफेस सैनिटाइजर स्प्रे कीजिए। इफ यू आर ट्रैवलिंग विद ए टॉडलर और इन्फेंट, देन यू हैव टू बी मोर केयरफुल। यू हैव टू वॉश योर हैंड्स एवरी टाइम एंड हैव टू पुट सैनिटाइजर बिफोर यू चेंज द डायपर फॉर द बेबी। डू नॉट बाई फूड और वाटर फॉर द बेबीज फ्रॉम आउटसाइड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। बच्चों के लिए हमेशा घर से बना हुआ खाना और एक छोटे से बॉटल में पानी साथ में रखिए। बच्चे का मिल्क बनाने के लिए ऑलरेडी घर से स्टेरिलाइज्ड किया हुआ बॉटल करी करे साथ में, क्योंकि एयरपोर्ट में बॉटल क्लीन करना और हॉट वाटर से फिर स्टेरिलाइज करना ये काफी डिफिकल्ट रहेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।